प्रदीप जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी पैनी नजर है आपकी इस वक्त उत्तर प्रदेश में। आप लगातार वहां ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है इसकी भी परख रख रहे हैं और नेताओं की राजनीति और उनकी रणनीति पर भी नजर रख रहे हैं। तो सवाल आपसे है कि ये 136 सीटें ऐसा लग रहा है 403 पर भारी पड़ रही है सर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी एक वजह, दो तीन वजह है। एक तो शुरुआत चुनाव की वहां से हो रही है, उसका एक कारण है कि सबसे ज्यादा चर्चा में है, चुनाव प्रचार वहां ज्यादा हो रहा है, टिकट बढ़ चुके हैं वहां, नॉमिनेशन हो चुका है वहां। दूसरी बात, किसान आंदोलन का जो भी उत्तर प्रदेश पे असर था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित, तो इसलिए भी उसकी चर्चा है। गठबंधन जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, तो इसलिए भी चर्चा है। तो कुल मिला के इसलिए जो है ऐसा इस समय लग रहा है। और आप याद करें तो 2014, 17, 19 में भी ऐसा ही लगता था कि पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव भारी है। लेकिन इस देखिए ऐसा है कि गठबंधन तो हम देख रहे हैं पिछले दो चुनावों में अलग अलग बने, 17 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, 19 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएनडी का गठबंधन था। सवाल यह है कि लोगों के मन में क्या है, क्या लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम से संतुष्ट है, उसे वापस लाना चाहते हैं। सबसे बड़ा मेरी नजर में सवाल यह है, ये जो गणित हो रहा है कि इतने परसेंट जाट उसके साथ, मुसलमान उसके साथ और पिछड़े उसके साथ, अगड़े इसके साथ, ये सब गणित गड़बड़ हो जाता है, किनारे हो जाता है जब जनता इस रूप में फैसला करती है कि वो सरकार को वापस लाना चाहती है या हटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या है फीडबैक मिल रहा है वो, प्रदीप जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन किसानों के मन में क्या है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई जब तक तीन काले कानून जो कह रहे थे किसान वो वापस नहीं लिए थे तब तक ये लग रहा था कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अब जब वो कानून वापस ले लिए हैं, तो आप भी उसी डिबेट पे थे जब दो बड़े जाट किसान नेता हमारे साथ इस मंच पर थे हुंकार में, जो ये कह रहे थे कि अब हम सेंटर में आ गए हैं, अब हम उस दिन मन बनाएंगे जिस दिन हमें वोट करना है। विजय राठी, क्या इसीलिए सारी ताकत जो है यहां पर झोंक दी गई है, ये टग वॉर की तरह है कि जिसके पास जाट गया उसके पास सीटें गई। देखिए रुटिका जी, ऐसा है, जाटों ने 2014 में, 17 में और 19 में भर भर के वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, पूरा विश्वास जताया था इन पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही काफी सीटें जीती थी। लेकिन क्या मिला जाटों को? जाटों को अपमान मिला, तिरस्कार मिला, जाटों को खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग की उपाधियों से नवाजा गया। जाट जब अपना खूंटा गाड़ता है तो आसानी से नहीं उखाड़ता, और जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गाड़ा था 2017 में और 19 में 2014 में, बहुत इंतजार किया है रूबिका जी, पूरे 6-7 साल। उसके बाद जो मुझे भी पता चला, जाट कम्युनिटी से ही हूं, कि हम तो आतंकवादी दिखते हैं, हम तो खालिस्तानी दिखते हैं, हमारे ऊपर पानी की बौछारें कीले गाड़ी गई पूरे साल, सर्दी गर्मी। मैं किसानी खेती करता हूं, किसानी खेती से जुड़ा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, खेत में कितना दर्द होता है, पीड़ा होती है, मैं जानता हूं इस बात को। गन्ने का पेमेंट मैं पश्चिम से आता हूं, मेरठ से आता हूं, और उस विधानसभा में बैठा हूं जिसके फायर ब्रांड नेता है संगीत सोम, मेरे पीछे सुगर इंडस्ट्री है, दोराला सुगर इंडस्ट्री, 2500 करोड़ का बकाया तो अभी है। गन्ने का पेमेंट आपने किया, जो बकाया है उसकी आप बात नहीं करेंगे? आप ये तो बताइए पिछले सीजन का भी अभी बकाया है, मेरा खुद का गन्ना जाता है, ये ग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात रूबिका जी, एक चीज बताइए, विजय जी रुके, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।